नमस्ते, आज मैं आपको लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी का मतलब समझाने वाला हूँ दिस वीडियो बीन मेड इन इंग्लिश एंड इफ यू विश टू व्यू दिस वीडियो इन इंग्लिश यू मे क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो अगर दो तरह के कंसेप्ट होते हैं एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी और एक होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर आ, कोई लोन को रिपे करना है या मान लीजिए कोई लाइबिलिटी आपके, आपके के सर के ऊपर है उसको रिपे करना है तो उसको रिपे करने के लिए जो बिजनेस मैन है उसके पर्सनल एसेट्स को भी जो उसका निजी जो भी एसेट uh, है उसको उसको भी कोर्ट uh, जो है अटैच कर सकती है और बेच सकती है जैसे कि मान लीजिए एक uh, एक आदमी है रमेश उसका आ, बिजनेस है परचूनी की दुकान का उसका बिजनेस है और उसमें उसके पास सात लाख की उसकी दुकान की कीमत है और दस लाख का लोन उसके ऊपर चढ़ा हुआ है तो उस केस के अंदर सात लाख तो अमाउंट जो है वो सीधा कोट uh, uh, जो है क्रेडिटर uh, को जिसने भी लोन दिया है उसको दे देगी लेकिन जो तीन लाख का जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए जो कोर्ट है वो uh, रमेश के जो पर्सनल एसेट्स है मान लीजिए जैसे उसकी गाड़ी है स्कूटर है घर है उसको भी वो अटैच कर सकती है और बेच सकती है और जो भी शॉर्टफॉल है तीन लाख का वो पेमेंट uh, हो सकता है क्रेडिटर को तो ये केस uh, ऐ, 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 ऐसी स्थिति को बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी यही सेम सिचुएशन लगती है एक यूजुअली लगती है एक पार्टनरशिप फर्म में भी अनलेस िटी पार्टनरशिप लिमिटेड पार्टनरशिप का उसकी पार्टनरशिप डील में लिखा हुआ है लेकिन आ, एक कंपनी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर लिमिटेड लाइविलिटी बोला जाता है कि एक शेयर होल्डर की लिमिटेड लाइवलिटी है मान लीजिए आपने सौ शेयर खरीदे हुए हैं दस रुपये के और तो आपने बेसिकली हजार रुपये कंपनी में इन्वेस्ट करे हुए हैं तो उससे आ, और कंपनी के मान लीजिए बहुत ज़्यादा लोन है तो आपके जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ हजार रुपये तक की है और उससे ज़्यादा आपकी लाइबिलिटी नहीं है और आपका जो घर बंगला गाड़ी स्कूटर वगैरह जो भी है ऑफिस है वो कोर्ट अटैच नहीं कर सकती है तो ये कंसेप्ट होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का कि जो भी आप पैसा अपने कंपनी में लगाते हैं वो सिर्फ उतना आप रिस्क दाव पे लगा रहे सिर्फ उतना आप रिस्क कर रहे जो आपने जो अपनी निजी संपत्ति है उसको आप रिस्क नहीं कर रहे हैं और आ, इसीलिए जो ज्यादातर लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि वो एक बिजनेस जो करे वो कंपनी के रूप में ही करे क्योंकि उसमें उनकी निजी संपत्ति पे कोई आँच नहीं आती है आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो नमस्ते जय हिंद वंदे मातरम